नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। पेट्रोल पंप लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। एनएमसी बिल के विरोध में आईएमए और जूनियर डॉक्टर ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवा रही बाधित, मरीज रहे परेशान। डीएम प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागवार चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी, जल संरक्षण पर दिया जोर। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, योगदान को किया गया याद। और 3 तलाक बिल का मुस्लिम महिलाओं ने किया स्वागत, भागलपुर में महिलाओं ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 शातिर बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंगलवार की देर रात तीनों अपराधी बाईपास के समीप मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस गश्ती के कारण तीनों अपराधी भाग गए। एसएसपी ने कहा कि उसके बाद तीनों अपराधियों ने गौरा चक्की पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाई, जिसके बाद सभी अपराधी पंप कर्मी को कब्जे में लेकर गेट खुलवाने लगा। इसी दौरान पंप के अंदर तैनात चौकीदार ने कजरेली पुलिस को अपराधियों के बारे में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों अपराधी अरुण कुमार, मोहम्मद बाबर एवं सुनील को एक देसी कट्टा कारतूस के साथ धर दबोचा। तलाशी के दौरान पकड़े गए अपराधियों के पास से लूटी गई राशि, 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल और कैंची को पुलिस ने बरामद किया। एसएसपी ने कहा कि 24 जुलाई को बंधन बैंक कर्मी से लूट मामले में तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वहीं पकड़े गए तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए कल एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी मार्ग लूट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो नया बाईपास बना है उसके आसपास के क्षेत्र में। तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए हबीबपुर थाना तथा कजरेली थाना को निर्देशित किया गया था, जिसके द्वारा वहां पे कजरेली थाना क्षेत्र में एक गौरा चक के पास पेट्रोल पंप है, वहां पर लूट करने के लिए आए हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उन अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर का अपाची और लूटा गया करीब 1434 रुपया, 2 मोबाइल और 1 कैची बरामद किया गया है। इन अपराधियों से जब पूछताछ की गई है तो इनकी संलिप्तता हबीबपुर थाना क्षेत्र में अभी कुछ दिनों पहले एक बंधन बैंक कर्मी से करीब 31,595 रुपये की जो लूट हुई थी उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। अन्य मामलों जो अभी लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उसमें भी इनकी संलिप्तता के बिंदु पे जांच किया जा रहा है। तो इस तरीके से पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पेट्रोल पंप में लूट की जो घटना होने वाली थी उसके घटना होने से पूर्व भी उनको गिरफ्तार कर लिया। एनएमसी बिल के विरोध में बुधवार को जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इस दौरान अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर एवं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले संयुक्त रूप से डॉक्टरों ने एनएमसी बिल को फाड़ कर विरोध जताया, साथ ही केंद्र सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद धरना प्रदर्शन करते हुए डॉक्टरों ने इंडोर एवं आउटडोर सेवा को बाधित कर दिया। आईएमए के सचिव डॉक्टर अमिताभ कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को मंजूरी देकर देश के स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा को अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक की कई विसंगतियां देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। देखिए, हम लोग जो विरोध कर रहे हैं एनएमसी का, इसमें मेनली 4 पॉइंट है जिस पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम है, उसमें क्या है कि पहले 4 सब्जेक्ट में 4 ईयर में एग्जाम होता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब क्या सरकार क्या कर रही है कि जो फाइनल ईयर है उसको सरकार खुद ले रही है, उसके आधार पे वो पीजी में सीट देगी और उसके आधार पे लाइसेंस मिलेगा एमबीबीएस को प्रैक्टिस करने के लिए। हम लोग विरोध ये है कि उसमें कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट बिल अगर जो नेक्स्ट एग्जाम को पास नहीं करेगा उसके लिए क्या है, या फिर जो उसमें क्लिनिकल थ्योरी भावा सब अलग अलग होता है, तो किस मापदंड से आप सबको ये करिएगा कि वो पास होगा वो फेल होगा।
जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को भागलपुर के डीआरडीए सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल संचयन एवं जल संरक्षण, अतिक्रमण, यातायात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस समेत कई विषयों पर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीसी सुनील कुमार एवं डीपीआरओ बिंदुसार मंडल मौजूद थे। एक लक्ष्य बनाया है कि खासकर भागलपुर के लिए जल एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है। शहर में इस बार हमने देखा कि जल का स्तर कितना नीचे चला गया था। जल के संरक्षण के लिए, जल को रिचार्ज करने के लिए सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी आवास हैं, उन सभी स्थलों पर 245 ऐसे स्थल हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, वाटर रिचार्ज प्लांट स्थापित किए जाने हैं। इसकी शुरुआत कर दी गई है और विद इन वन मंथ हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे 245 लोगों पर ये व्यवस्था कर दी जाए। और इसके अतिरिक्त जन जागरूकता इसके प्रति लाने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे इस जिले के सभी मुखिया लोगों की कार्यशाला 14 अगस्त को हम लोग टाउन हॉल में करेंगे, जिसमें भी 23,268 नए आवासों का लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हो गया है पिछले महीने। और उसके अंतर्गत लोगों के जो लाभार्थी योग्य हैं उनके निबंधन की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें ट्रांसपेरेंसी और लोगों तक पूरी तरह से सूचना पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में लाभार्थियों का नाम, जो हमारे भी लाभार्थी उपेक्षा सूची में है, जिनको कि किस वर्ष दिया जाना है, उनका नाम हम लोगों ने पंचायत भवनों में या पंचायत के सुदूर स्थलों पर लिखने का निर्देश दिया गया, जिसमें आधे से अधिक पंचायतों में ये नाम भी लिखा जा चुका है। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर भागलपुर के TNB कॉलेज में प्रेमचंद्र जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम हिंदी विभाग द्वारा आयोजित था। समारोह में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र पर निबंध, भाषण एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार चौबे, डॉक्टर अरविंद कुमार एवं प्रोफेसर रामचंद्र घोष ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में प्रोफेसर अरविंद कुमार ने कहा कि प्रेमचंद्र को पढ़े बिना हिंदी साहित्य अधूरा है, जबकि डॉक्टर सुबोध मंडल ने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित रचनाओं की व्याख्या की। वहीं डॉक्टर जितेश और डॉक्टर रामचंद्र घोष ने प्रेमचंद्र की कहानी को हिंदी साहित्य की विरासत बताई। समारोह में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अंजनी, डॉक्टर आनंद कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। हमने इस कार्यक्रम के लिए बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसमें सफल प्रतिभागियों को अभी हम पुरस्कार देने जा रहे हैं। प्रेमचंद हमारे राष्ट्रीय महत्व के लेखक हैं, राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्र जब उनको याद करेगा तब तक इसकी मुक्ति के लिए उन्होंने जो उपाय बताए हैं उस पर यह देश चलेगा। प्रेमचंद जीवन को जीना सिखाते थे, जीने में लड़ना सिखाते थे और लड़ने के बाद अपने आत्मा की मुक्ति का उपाय बताते थे। प्रेमचंद का लेखन हमारे जीवन के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अभी संदेश का काम करेगा, यह उनकी महानता है, यही उनकी विशिष्टता है। वहीं प्रेमचंद्र की जयंती पर असानंदपुर स्थित इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स स्कूल में समारोह आयोजित कर साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र के योगदान को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप प्राचार्य डॉक्टर जीनत प्रवीण ने की। समारोह में मांडवी झा ने छात्राओं को बताया कि मुंशी प्रेमचंद्र संवेदनशील और सचेत लेखक के साथ कुशल वक्ता और सुधी संपादक भी थे। वहीं स्कूल की छात्राओं ने प्रेमचंद्र की जीवनी पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर सरीन समर, तवश्रुम, समाबानो, नीमा जैन समेत कई शिक्षिका मौजूद थी। तीन तलाक को अपराध मानने वाला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को संसद ने पास कर दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी विधेयक पास हो गया। विधेयक पास होने के बाद जहां मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया, वहीं कुछ महिलाओं ने इसे इस्लामी कानून में छेड़छाड़ बताया। दरअसल विधेयक के प्रावधान के अनुसार अब पति पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से एक बार में तीन तलाक देता है तो वह गैर कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद भागलपुर की मुस्लिम महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ, इनको बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये मुस्लिमों के हक में बहुत गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है।
और इनसे मुस्लिम बच्चियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होती है, क्योंकि मुस्लिम में जितने भी मौल्ला ये लोग हैं, कठमुल्ला लोग हैं, वो गलत बयान देते हैं। लड़की कोई जानवर नहीं है। माँ बाप इतने अरमानों से उनकी परवरिश करते हैं, दान धरे करके शादी करते हैं, तो तीन वर्ड बोल करके उनको तलाक दे जाता है। अब तो हद ये कि लोग विदेश में भी रहते हैं तो एक फ़ोन से एक कॉन्टेक्ट बना के तीन तलाक, ये क्या है? उनकी ज़िंदगी पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है। मेरा तो ये कहना है कि शरीयत में तो इन लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी सरकार की, क्योंकि हम लोगों को इस्लाम के तहत बहुत सारी छूट मिली हुई है पहले से ही। जब हम लोग शादी करते हैं तो शादी के वक्त हम लोग से परे जैसे कबूल है, हम लोग बोलते हैं दोनों पक्ष के तरफ, तो शादी होती है। तो वैसे भी अगर तलाक होता है तो दोनों की मर्ज़ी से होता है, इसलिए तो इनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। सर, लड़कियों को जो फ़ायदा होगा तो ये जो फैसला हुआ है सरकार की तरफ से कुछ सराहनीय है लड़कियों के पक्ष में, और ये जो फैसला हो गया है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं, जो कि लड़कियों के लिए अच्छा फैसला हुआ है। ज़्यादातर लड़कों में ये डर होगा कि हम लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा या आगे कोई कार्रवाई होगी। ये जो फैसला है ये सरासर मुसलमानों के अगेंस्ट जाता है, ये हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। जब कुरान ने हमको ये तलाक का हक़ दिया है तो फिर ये सरकार ये कानून नहीं पास कर सकती है। हम मुसलमान इसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर जो बेवकूफ़ मुसलमान औरतें ये समझ रही हैं ये उनके हक़ में बेहतर हुआ है, तो वो सरासर गलत समझ रही हैं, सरासर गलत समझ रही हैं। वो उनके हक़ में कहीं पर से भी बेहतर नहीं हुआ है, वो दीन से भी जा रही हैं, दुनिया से भी जा रही हैं। भागलपुर हबीबपुर पुलिस ने दो दर्जन से अधिक केसों में फरार भूमाफिया सोनू यादव और उसके सहयोगी सुनील शेखर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मंगलवार को सोनू यादव को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान थाना के ASI अजय यादव के साथ आरोपियों ने हाथापाई करते हुए राइफल छीनने का प्रयास किया। दरअसल दाऊदवाट निवासी भूमाफिया सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू यादव के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में 24 केस दर्ज है, वहीं सुनील शेखर के विरुद्ध 12 केस दर्ज है। दोनों आरोपियों के द्वारा एक ही जमीन को कई बार रजिस्ट्री करवाकर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। SSP ने सोनू यादव पर CCA लगाने और चल अचल संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव DM को भेजा था। SSP आशीष भारती ने कहा कि सोनू यादव और सुनील शेखर ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, साथ ही जालसाजी के मामलों को दोनों मिलकर अंजाम देता था। हबीबपुर थाना क्षेत्र में जमीन से संबंधित विवाद में कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक भूमाफिया के तौर पे सोनू यादव का नाम कई दिनों से आ रहा था और जो कई मामलों में इन्वॉल्व रहा था। तो उस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम है सोनू यादव और सुनील शेखर। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर करीब सोनू यादव के ऊपर करीब 22-23 मामले हैं और साथ ही सुनील शेखर के ऊपर भी लगभग एक दर्जन मामला है। तो इस तरीके से जो नया जो क्षेत्र है हबीबपुर का, जहाँ पे शहर बढ़ रहा है, वहाँ पे ये भूमाफिया है जिनको गिरफ्तार किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए Silk TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।
इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर सुलोचना अपहरण कांड में अब तक फरार चल रहे चार अभियुक्तों के घर बुधवार को पुलिस ने इश्तिहार चस्पा किया। जिन आरोपितों के घर इश्तिहार चिपकाया उनमें बिमल यादव, अनिल यादव, कन्हैया यादव और विदेशिया यादव का नाम शामिल है। सभी आरोपित मधुसूदनपुर इलाके के कौवाकोली गांव के रहने वाले हैं। इसके पूर्व पुलिस के दबिश के कारण कांड के मुख्य अभियुक्त सुनील यादव, राजेश यादव और नवल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि बीते 21 जून को दिन दहाड़े मधुसूदनपुर इलाके के बहवलपुर के पास से लक्ष्मण बाग निवासी सुलोचना देवी का 7 अपराधियों ने मिलकर अपहरण कर लिया था। घटना के 40 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि चार अभियुक्त के घर इश्तिहार चिपका दिया गया है। चारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तिलका मांझी से मनाली चौक, सरदार पटेल चौक, RBSS रोड एवं डिक्सन रोड तक उपनगर आयुक्त SP वर्मा एवं जगदेशपुर अंचलाधिकारी सोनू कुमार भगत के नेतृत्व में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान JCB और कर्मियों की मदद से अवैध होर्डिंग बैनर को हटाया गया, जबकि अतिक्रमण दस्ता के द्वारा की जा रही माइकिंग के कारण अधिकतर दुकानदारों ने पहले से ही अतिक्रमण हटा लिया और कईयों ने तो अपनी दुकान तक बंद कर दी। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर और NSS के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा प्रसाद एवं इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद NSS की छात्राओं ने कॉलेज कैंपस के अंदर और बाहर साफ सफाई अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए छात्राओं ने खंजरपुर के सीढ़ी घाट पर जाकर भी सफाई की और लोगों से गंगा नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालने की अपील की। मौके पर डॉक्टर अंजू कुमारी, डॉक्टर नीलम कुमारी, डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी समेत कई शिक्षक और छात्रा मौजूद थी। वहीं मारवाड़ी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा NSS के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता रैली निकाली और विश्वविद्यालय कैंपस में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, मुस्कान खातून मौजूद थी। बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को अब से सेवांत लाभ लेने के लिए बाबुओं की खुशामद नहीं करनी पड़ती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बुधवार को सिंडिकेट हॉल में सेवानिवृत्त हो चुके 3 लोगों को कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा और प्रति कुलपति प्रोफेसर रामरतन प्रसाद ने सम्मानित करते हुए सभी प्रकार का सेवांत लाभ दे दिया। PG जूलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष चंद्र वर्मा, समाजशास्त्र के प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिन्हा और वाहन चालक विनोद मिस्त्री को कुलपति ने सम्मानित किया और विश्वविद्यालय में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जमकर प्रशंसा की। कुलपति ने कहा कि शिक्षक का रोल शिक्षण संस्थान में महत्वपूर्ण होता है। वहीं प्रति कुलपति रिटायर हुए शिक्षकों से कक्षा लेने की बात कही। मौके पर प्रोफेसर सरोज राय, पदमकांत झा, विजयमल प्रसाद, प्रोफेसर विलक्षण रविदास, डॉक्टर SD झा, डॉक्टर
डॉक्टर अभियानंद सहाय, डॉक्टर भास्कर पाठक समेत कई पदाधिकारी और विभाग के हेड मौजूद थे। भागलपुर के खरमनचक स्थित विवाह वन परिसर में याराना भक्त मंडल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में याराना भक्त मंडल के महंत अमित कनोडिया ने कहा कि गुरुवार को भक्त मंडल की ओर से दर्जनों कांवरिया भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट से जल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि सुबह सबसे पहले कांवरिया गंगा घाट जाएंगे और जल लेकर पुनः सभी कांवरिया विवाह भवन में आकर विश्राम करेंगे, जिसके बाद संध्या आरती के आयोजन के बाद सभी कांवरिया बोलबम के जयघोष के साथ बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। वहीं संरक्षक अश्वनी जोशी मोंटी ने कहा कि भक्त मंडल के सदस्य विगत कई वर्षों से बासुकीनाथ में जलाभिषेक करते आ रहे हैं और इस वर्ष भागलपुर से गंगा जल लेकर जाने के पीछे भागलपुर के महत्व को दर्शाना है और कांवरियों की सुविधाओं के लिए कई इंतजाम भी किए गए। साथ ही कहा कि कांवर यात्रा शोभा यात्रा की शक्ल में भागलपुर से रवाना होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉनी संथालिया, रवि छापरिया, विष्णु वर्मा, अभिषेक जोशी, रितेश चामरिया, रवि शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। भक्त मंडल की ओर से बाबा बासुकीनाथ के लिए एक शोभा यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी हम लोग की। 1 तारीख को ये यात्रा जो है भागलपुर के लिए निकलेगी, बासुकीनाथ के लिए जला अभिषेक करने के लिए यात्रा निकलेगी। 105 लोग हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भागलपुर की अधिक से अधिक जनता जो है, हम लोग को मीडिया बुलाने के पीछे मकसद यही है कि हम लोग चाहते हैं कि भागलपुर की जनता जो है वो जो है याराना भक्त मंडल को जाने। जैसा कि आपको ज्ञात है, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन के महीने में भागलपुर से माँ गंगा का जल लेकर याराना भक्त मंडल के 105 कंवड़िया कल जल भरकर बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जल भरने के बाद खरमनचक स्थित गोकुल धाम में कांवड़ रखी जाएगी, विश्राम स्थल रखा गया है। यहां पर शाम में 5 बजे बाबा बासुकीनाथ की भव्य महाआरती का आयोजन रखा गया है। महाआरती के आयोजन के बाद यहाँ से कांवड़िए शोभा यात्रा की शक्ल में नगर भ्रमण करते हुए बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए यहां से निकलेंगे। भागलपुर के जिला विधिज्ञ संघ के मुख्य द्वार पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से संगठन पर्व सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व संयोजक वीरेश प्रसाद मिश्रा ने किया। इस दौरान 170 अधिवक्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास होने की बात कही। सह संयोजक जय प्रकाश यादव व्यास ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में विधि प्रकोष्ठ की ओर से भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें हर वर्ग के अधिवक्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर श्याम सुंदर प्रसाद, भोला कुमार मंडल, मनीष कुशवाहा समेत कई सदस्य एवं अधिवक्ता मौजूद थे। भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत बुधवार को SSB कॉलेज कहलगांव में स्वच्छता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में छात्रों को स्वच्छता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतिम दिन कहलगांव थाना परिसर में स्वयं सेवकों के द्वारा सफाई अभियान चलाकर पूरे थाना परिसर की साफ सफाई की गई। साथ ही थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर रवि भूषण, आशिक, आलोक, राजीव रंजन, सत्यम, ऋषि समेत कई युवा स्वयंसेवक मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स, आसान मासिक किस्तों पर। पेट्रोल पंप लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। NMC बिल के विरोध में IMA और जूनियर डॉक्टर ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवा रही बाधित, मरीज रहे परेशान। DM प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागवार चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी, जल संरक्षण पर दिया जोर। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, योगदान को किया गया याद। और 3 तलाक बिल का मुस्लिम महिलाओं ने किया स्वागत, भागलपुर में महिलाओं ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।